तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर नंबर सॉल्ट पेपर 4। ठीक है, ये 30 तारीख को पेपर हुआ था 2016 में एनटीपीसी का। इसमें जो पहला सवाल है वो समझा देता हूँ। क्या बोला कि पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, क्यों उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। यदि वे मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तो वे उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे। तो जब भी आपको इस तरीके से पूछा है कि वो जो है अभी पूरा भाग में से अब कितना भाग काम कर रहे हैं, ऐसा अगर सवाल पूछा, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे तो ये पूरा भाग इन्होंने कितने दिनों में किया होगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे रहेगा कि दोनों ने, ठीक है, मिलकर कितने दिन में किया है काम, अभी 5 दिन, ठीक है, बटा दोनों ने मिलकर, ठीक है, अब इन्होंने टोटल कितने दिन लगाए, ठीक है, एक्स दिन लगाए, ये तो हमको पता ही नहीं है कि दोनों ने मिलकर मतलब के कितने दिन काम किया होगा। अगर मान लो ये पूरा भाग इन्होंने, ठीक है, अभी एक ऐसा काम है मान देते हैं, ठीक है, तो जब ये काम करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर अभी इन्होंने 8 दिन या 4 दिन में काम किया होगा, तो 4 दिन में काम किया होगा तो 4 हिस्सों में काम किया होगा ना, ये पहले दिन का काम, ये दूसरे दिन का, ये तीसरे दिन का, या चौथे दिन का, तो टोटल 4 दिन में, 4 में से जो है उन्होंने, हम ये बोल सकते हैं कि अगर 3 दिन काम किया है तो हम ये बोलेंगे कि 4 में से 3 हिस्सा इन्होंने काम किया है, 4 में से 3 भाग काम किया है। तो यानी कि हमको क्या पता होना चाहिए कि पूरा भाग काम करने में उन्होंने कितने दिन लगाए पहले दोनों ने मिलकर। हमको ये तो पता है कि 5 दिन काम किए, लेकिन पूरा कितना समय लगा दोनों को मिलकर ये नहीं पता। तो पहले ये पता करते, तो इसके लिए आपको पता करना है पहले क्या दोनों ने मिलकर, कौन है पी और क्यू। जब आपको दोनों का मिलकर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में गुना और नीचे में दोनों को जोड़ना, ठीक है, ये वाला आपका फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों को मिलकर काम करना इसीलिए जोड़ेंगे। तो पी इंटू क्यू, ठीक है, तो क्या दिया है पी की वैल्यू, पी कितने दिन में कर रहा है 10, और ये कर रहा है 15 दिन में, और दोनों का जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, दोनों मिलके 25, है ना, प्लस कर दिया मैंने, 5 का भाग जाता है 5, और यहाँ पर आगे 3, 5 का भाग इधर चले गया, 2 5 कट गए, 2 3 6, यानी कि ये जो काम हो रहा था ना, अब हम सही तरीके से अब डिफाइन कर पाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो अब काम है ये मतलब के 6 हिस्सों में, यानी कि 6 दिनों में काम इन्होंने पूरा किए हैं। अब इन्होंने बोला क्या है सवाल में कि दोनों मिलकर कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 5 दिनों तक के, तो सीधी सी बात है इन्होंने 1 2 3 4 और 5 6 में से, अब हम बोल सकते हैं कि 6 में से कितने दिन काम किए हैं, 5 में 5 काम किए, 6 6 में से, है ना, 6 दिन में से 5 दिन का काम किए, तो कितना भाग काम किए, 6 5/6, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। हो गया, मतलब कि एक काम बचा था इनका, लास्ट का एक भाग काम बचा था, है ना। कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछता है कि इनका काम कितना बचा था फिर, है ना, तो अगर उसने बचा हुआ काम पूछा रहता तो 1/6 होता, लेकिन उसने बोला है कि इन्होंने मिलकर कितने भाग काम किए, तो इन्होंने 5 भाग काम किए, ऐसा हम बोलेंगे। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल, क्या बोला है कि क्यू ने जो है एक मेज को 13,500 में खरीदी किया और 11,000 में बेचा, तो खरीदी मूल्य जो है दिया है कितना, 13,500, और बिक्री मूल्य दिया है 11,000, ठीक है, मैं साफ साफ दिख रहा है, जब अगर खरीदी के नीचे बेचते तो हानि होता है, तो हानि कितना हो गया है, हम ये बोल सकते हैं कितना नीचे गया है, तो 1,500 रुपये उसने, सॉरी 2,500 रुपये जो है उसने लॉस में भेजा है, तो यानी कि ये हानि हो गया। हानि का परसेंट निकालना है तो हम दो तरीके से करते हैं, हमारा फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो फॉर्मूले से क्या है, जो हमारा खरीदी, ठीक है, जो हानि परसेंट, अब हानि का परसेंटेज निकालना है तो आप ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना, हानि कितनी हो गई है और खरीदी कितना हो गया है, गुना 100,
ठीक है, ये फॉर्मूला है। और अगर आपको अपने तरीके से करते हैं तो उससे भी कर सकते हो। खरीदी कितना है 13,500, ये बराबर है 100% के। और ये है उसको लॉस हुआ कितना 2,500 का, ये परसेंटेज निकालना है कैसे भी करो। ये सवाल इजी है तो ये आप फॉर्मूले से करोगे तो बेहतर है। तो हानि कितना हो गया है 2,500, ठीक है, कितने के ऊपर में 13,500 के ऊपर में गुना 100, 2,020 कैंसिल हो गए। यहाँ पर 25 का भाग जाता है क्या, नहीं 5 का भाग जाता है, तो 500 और यहाँ पर 5 का भाग दिए तो कितना हो जाएगा 5×2 = 5×7, ठीक है। अब यहाँ पर आगे 27 और ऊपर में है 500, 27 बराबर है, तो अब 27 से भाग देंगे तो यहाँ पर आंसर जो है पॉइंट में आएगा, हमारा आंसर जो है इसमें अलग आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं दिया है, फिर भी निकाल लेते अभी, ठीक है। कितना आएगा 27 एकम 27 हो जाएगा, 27 एकम 27 ही हो जाएगा, ठीक है, बराबर है ना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 27 एकम 27 कितना बचा 23,230 हो गया, ठीक है। 27 को अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं मतलब कि, ठीक है, 1 तो दिख रहा है वैसे, देखते हैं 7 तो आएगा, हाँ 7×7 = 50, ठीक है, और 4×7 = 14, 18 अगर इसमें फिर से गुना करूँगा तो 8 भी आता है, ठीक है, 7×8 = 56, 5 ऊपर गए 7×16 = 21, इतना आ रहा है, ठीक है, 8 से गुना करने पर 216, माइनस किया 14 आए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ है नहीं बचा, पॉइंट लेके जीरो लेंगे, ये हो गया 40, 27 कितने, अभी हमने 5 का निकाले थे 135 हो रहा था, है ना, 27×5 = 135, यानी कि इसका आंसर जो है हमारा कितना आना चाहिए 18.5, और 18.5 जो है ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका आंसर ये रहेगा 18.5% हानि हुई है। देखो तीसरा सवाल भी बता देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, मानक विचलन, इसका क्या है कि फॉर्मूला है, आपको क्या करना है कि पहले तो मतलब कि एक चार्ट बना लेना है, तो जब भी आपको इस तरीके से नंबर्स दिए हैं 11, 7, 10, 13, 9, ठीक है, हमको क्या करना है, सबसे पहले ये चार्ट बना लेना है और यहाँ पर x-x-, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका जो वर्ग आएगा वो लिखेंगे x-x- का वर्ग, ये करते हैं, ठीक है, इसका वर्ग यहाँ पर लिखेंगे। अब x का मतलब क्या है, तो x हमारा क्या रहेगा, मीन रहेगा, ठीक है, मीन या एवरेज बोलेंगे या फिर औसत बोलेंगे इसको, ठीक है, अभी फ़िलहाल समझने के लिए बता रहा हूँ, आप इसको कुछ भी नाम दे दो, औसत बोलो, ठीक है, तो औसत निकालेंगे, लेकिन किसका, इन पांचों का, तो इन पांचों का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्लस कर दो सबको, 11+7+10+13+9, ठीक है, बटा 5, कितना आ गया, ये हो गया 18, 18, 28, 41, 50, 50/5 कितने हो गए, 10 हो गए। अब क्या करना है, ये जो है माइनस करते जाना है, 10-11, 10-7, 10-10 और 10-13, 10-9, ठीक है, माइनस करके जो आएगा बाद में यहाँ पर उसका क्या करना है, वर्ग करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग, ठीक है, 3 हो गए, 3 का वर्ग, 10 में से 10 गया 0, और उसके बाद में बचा गया 3 का वर्ग, इसमें से माइनस किया तो कितना आया, 1 का वर्ग। अब इन सबको क्या कर देना है, टोटल कर देना है, यहाँ से जो भी आपका आएगा वो आपका क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यही है, इसको हम अब पहले क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आ गया, सॉरी इसका पहले हम आंसर निकालते कितना आ रहा है, ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 9, ये तो 0, ये हो गया 9, ये हो गया 1, तो ये जो भी आएगा हमारा, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, SD = या फिर इसको ऐसे सिग्मा करके लिखते, ठीक है, SD = क्या रहेगा, फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ समेशन इसका, इन सब का मतलब के x माइनस x
डैश का वर्ग का समेशन करना है, प्लस करना है, डिवाइडेड बाय एन, फिर आपको वापस से जितनी संख्या उससे डिवाइड करना है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन सबको प्लस कर दो, ये कितने हो गए 10, ये 10 20, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर देता हूँ अभी, 20/5 क्योंकि संख्या है 5 है, 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया अंडर रूट 4, यानी कि कितना आया 2, यानी कि एस डी की वैल्यू रहेंगी 2। अब इसके बाद में सातवां सवाल क्या बोला है कि एक वर्गाकार मैदान के किनारे उसने 100 पौधे लगाए, रोपण से रोपा जाता है, पूरे मैदान में रोपने के लिए कितने पौधे आवश्यक होंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है, यानी कि चौरस मराठी में बोलेंगे, चारों भुजाएं जिसके समान रहती हैं। अब इसमें उसने क्या किया, इस तरीके से लाइन लगाया एक से लेकर पूरा 100 तक, यहाँ से पूरा पेड़ लगा दिया। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी उसने एक से लेकर 100 तक क्या लगाए होंगे, पेड़ लगाए होंगे, पौधे लगाए। अब सीधी सी बात है, जब आप यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर तो चलो ऊपर में कितने आगे 100, इस लाइन में भी आगे 100, लेकिन इस लाइन में क्या हो गया है, यहाँ पर और यहाँ पर पहले से एक इन्होंने लगा के रखा है। अब यहाँ पर कितने आएंगे, 98, और ये एक 99, और ये एक कितने हो गए बराबर 100, ये लाइन भी 100 हो गए। अब यहाँ पर पहले से लगा के रखे, यहाँ पर भी 98 हो जाएंगे, इन सबको प्लस कर दो, कितने आ जाएंगे 396 इसका आंसर होगा। इसके बाद में 7 नंबर का सवाल दिया है, क्या बोला है कि एक बहुभुज की 9 भुजाएं है, इसका आंतरिक कोण कितना होगा। कि गर्मी हो रही इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल के ख़त्म करता हूँ। तो 9 भुजाएं है, तो बहुभुज का मतलब ये होता है कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ठीक है। आपको बहुभुज के दो जो है प्रकार होते हैं, ये याद रखना। एक प्रकार होता है जिसमें मतलब कि सभी भुजाएं समान रहेंगी और जो कोण रहेगा वो भी समान रहेगा, ठीक है। और एक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है, वो आप डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ हमको अभी ज़्यादातर सम बहुभुज के बारे में ही सवाल पूछे जाते हैं, तो ये जो सवाल है हमारा सम बहुभुज का ही है ऐसा समझेंगे, ठीक है, जिसकी कितनी भुजाएं हैं, 9 भुजाएं हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n माइनस 2, ठीक है, इंटू 180। अगर आपको सम बहुभुज, ठीक है, सम बहुभुज की आंतरिक कोण का, आंतरिक यानी कि अंदर के कोण का योग पूछ लिया तो उसका फॉर्मूला सिर्फ ये रहेगा। लेकिन याद रखना है कि उसके सभी कोण जो है क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, उसके सभी कोण जो है क्या रहेंगे, समान रहेंगे, यानी कि ये सभी कोण जो है समान रहेंगे, या वो कैसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है ना। तो इसमें भी जो है ये और ये सभी कोण क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो अगर हम सबका टोटल निकाल लेते हैं और जितने भी कोण बन रहे उसको डिवाइड कर देंगे तो एक का पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पर पूछा क्या है पहले वो समझ लो। उसने पूछा है कि कहाँ गया सवाल, हाँ 17 नंबर, आंतरिक कोण कितना होगा, उसका आंतरिक कोण कितने का होगा, मतलब कि उसका एक कोण के बारे में पूछा, उसके योग के बारे में नहीं पूछा। तो योग के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, अगर उसने पूछ लिया योग, अगर उसने सिर्फ एक के बारे में पूछा, ठीक है, आंतरिक कोण सिर्फ एक, तो उसका फॉर्मूला एन माइनस टू, ठीक है, इनटू सेम है बस जितनी भुजाएं है, ठीक है, उसको जो है एन से डिवाइड करना है, ठीक है, एन का मतलब है एन भुजा। तो हमको जो है यहाँ पर एन दिया है 9 माइनस 2 ये हो जाएंगे 180/9, यानी कि कितने हो गए 20, ठीक है। यहाँ से आप इसको क्या कर दोगे, ये हो गए कितने 7 × 20 यानी कि 140, ठीक है, 140 इसका आंसर होगा। अब इसके बाद में 26 नंबर का सवाल क्या बोला है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर तथा चौड़ाई जो है, अच्छा ये तो उसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है, वर्ग बोला है, आयत बोला है। देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्या बोला है कि एक आयत है, इसकी जो लंबाई है वो दिया है 168, क्या दिया है वर्ग सेंटीमीटर, नहीं, आयत का क्षेत्रफल दिया है,
क्षेत्रफल दिया है 168 और उसके बाद में उसकी चौड़ाई दिया है, ये चौड़ाई है मान लेते हैं, ये कितना दिया है उसने 7 सेंटीमीटर। तो देखो जो आयत का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, ओहो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है चौड़ाई गुना लंबाई। अगर लंबाई पता चल जाएंगी तो उसके बाद में आप जो है ये निकाल सकते हो। तो चौड़ाई कितनी है 7 है, लंबाई तो हमको निकालना है, क्षेत्रफल है 168, 7 से इसको भाग दे देंगे ठीक है, तो हमको क्या पता चल जाएगा, हमको इसकी ये जो लंबाई है ये पता चल जाएगी। 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 × 2 = 14 और कितने हो गए 728, यानी कि हमको लंबाई मिल गई 24। अब हमको निकालना है क्या, ये क्या है 90 का कोण है ना, सीधी सी बात है आयत है 90 का कोण है, तो ये कौन सी होगी, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा अभी, कर्ण का वर्ग या फिर कर्ण इक्वल टू वर्गमूल दोनों भुजाओं का वर्ग और उनका योग, 7 का वर्ग प्लस ये इसका फॉर्मूला है, और उसके बाद में दूसरी भुजा यानी कि ये लंबाई 24 का वर्ग। अब आपको इसको प्लस करना है ठीक है, ये हो गए कितने 49, ये हो गए 576, इसको आप प्लस कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 625, दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है, ये हो जाएंगे 625, यानी कि 625 का वर्गमूल कितना है 25, यानी कि जो कर्ण है वो हो जाएगा 25 का। इसके बाद में हम 27 नंबर का सवाल देखते हैं, इसमें क्या बोला है कि दो अंकों का योग जो है 9 है, दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से का अंतर 1 है। तो ये जो सवाल है ये ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, 45, 63, 54, 72। अब उसने क्या बोला है कि जो अंक है दोनों के उसका योग 9 होना चाहिए, तो 9 ठीक है टोटल सबका आ रहा है, चारों ऑप्शन का दोनों का योग जो है 9 आ रहा है। अब यहाँ पर हमको और क्या बोला है, उसने एक और क्लू दिया है कि जो दहाई का अंक है वो जो है इकाई के अंक के साथ में उसका अंतर जो है 1 आना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं, ये है और ये है, बाकी इसमें कितने का अंतर आ रहा है 3 का, इसमें 5 का, तो ये तो नहीं है। उसके बाद में अब ये 2 बचे। अब देखो ये जो सवाल है इसमें पूछने का तरीका जो है उसने गलत दिया है मेरे हिसाब से, बता रहा हूँ ठीक है। तो क्योंकि क्या है कि उसने क्या बोला है कि जो दहाई का अंक है इकाई के अंक का अंतर सिर्फ दिया है। अब अंतर तो दोनों का सेम ही दिख रहा है ना, अंतर तो इसमें भी 1 है ठीक है, इसमें भी 1 है। उसने सवाल में पूछने के लिए एक शब्द जो है उसमें ऐड करना था कि दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से ठीक है, वहाँ पर आपको ये देना था कि छोटा है ठीक है या बड़ा है, यानी कि बड़ा या छोटा कौन है ये पता नहीं चलता ना, दहाई का अंक छोटा है या बड़ा है ठीक है ये नहीं पता चलता। तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है हम वैसे तो आंसर कौन सा मानेंगे, क्योंकि हमको दहाई का अंक पहले लेना पड़ेगा, उसने पहले बोला है इसीलिए पहले लेंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस हिसाब से जो है ऑप्शन हमारा ये बराबर रहेगा, x - y यानी कि 5 - 4 है ना, 5 - 4 कितने हो गए 1, तो ये आंसर होगा। अब उसके बाद में 30 से 32 नंबर के जो सवाल है वो देखते हैं। अब ये सवालों में सबसे पहले जो चीज़ दी है वो देखते हैं क्या क्या दिया है। उसने पहले बोला है कि PWQXR, PWQXR, YZ और S ठीक है, ये जो है क्या है, एक गोल सर्कल में बैठे हैं और ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, यानी कि कंडीशन में ये दिया है कि ये इस तरफ जो है सेंटर की तरफ देख रहे हैं। जब भी सेंटर की तरफ देखेंगे ना तो सीधी लाइन में ही पहले उसको ड्रॉ करना कि ये लोग बैठे कैसे हैं, ये सोच के ही ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले लोग कितने हो गए, 3, 6, 8 लोग है ठीक है, ये हमको याद रखना है ठीक है, 8 व्यक्ति। अब उसके बाद में क्या बोला है, हमको कंडीशन दिया है 4। पहली कंडीशन ये हमारे क्लू है, पहला क्लू क्या बोला है कि जो y है वो ठीक q और r के बीच में बैठा है, तो जो y है वो q और r के बीच में बैठा है यहाँ पे। तो यानी कि हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि पहले कंडीशन में जो है दो कंडीशन बन सकती है, जो हमारा Q और R है इसके बीच में Y रहेगा। अब ये नहीं पता कि मतलब कि कौन
किधर बैठा है, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये जो है इधर भी हो सकता है, ठीक है, क्यू इधर भी हो सकता है। चलो ये दो कंडीशन हमको यहाँ पर दी है। उसके बाद में क्या बोला है कि पी ना तो एक्स के और ना ही जेड के बगल में बैठा है। दूसरी कंडीशन में बोला है कि एक्स जो है नो करके रख देता हूँ, किसके बीच में नहीं है, किसके बगल में नहीं है, एक्स और जेड के बगल में नहीं है। उसके बाद में तीसरी कंडीशन क्या बोला है उसने, इसको साइड में लिखता हूँ तीसरी कंडीशन, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या बोला कि क्यू जो है जेड के दाएं बैठा है, क्यू के दाएं जेड यानी कि क्यू का दाया हाथ कौन सा है, राइट हैंड, दाया का मतलब होता है राइट, राइट यानी कि ये मेरा, तो ये राइट साइड में कौन बैठा है, जेड बैठा है, ठीक है। तो जेड इस तरफ बैठा होगा, ठीक है, यानी कि अगर मैं इस तरफ देख रहा हूँ तो इधर जेड बैठा होगा, ठीक है। और ये कंडीशन फिर कैसे बैठेंगी कि अभी मैंने क्या कहा कि जेड किधर बैठा होगा, दाएं, ये मेरा दाया हाथ है इधर, तो यानी कि जेड इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू के इस तरफ जेड, उसके बाद में एक्स के बाएं से और वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर एस बैठा है। अब इसको कंडीशन को समझो कि एक्स के बाएं से, अब देखो बाया यानी कि लेफ्ट, एक्स का बाया हाथ कौन सा रहेगा, ये रहेगा, यानी कि एक्स अगर इस तरफ है तो इस तरफ तीन नंबर पे, ठीक है, और वाई के दाएं तरफ से, वाई का दाया हिस्सा ये इस तरफ हो गया, ठीक है, इस तरफ से तीसरा, यानी कि इस तरफ से तीसरा, और एक्स का बाया ये हाथ है तो बाएं से तीसरा, ठीक है, इस तरीके से। तो चौथी कंडीशन में क्या बोलेगा, ये देखो ये है इसका राइट साइड और ये है इसका लेफ्ट साइड, तो बाएं से बोला है, लेफ्ट साइड से तीसरा बोला है, तो लेफ्ट साइड से तीसरा बोला है, एक दो तीन नंबर पे कौन बैठा है, वो कंडीशन दिया है एस बैठा है, ठीक है, ये दी है। उसके बाद में क्या बोला है कि जो वाई है उसके दाएं से यानी कि राइट साइड से तीसरा, ठीक है, तो ये दो एक और ये हो गया कितना वाई, ठीक है। अब यहाँ पर तो सात लोग बैठ गए, ये तो कंडीशन मतलब कि हमको बनी बनाई मिल गई। अब हमको यहाँ पर बिठाना है सबको, क्योंकि ये कंडीशन के हिसाब से एक्स यहाँ पर है और वाई इसके इस तरफ आएगा और इस तरफ एस भी आएगा। अब सबसे पहली कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर क्यू के बीच में कौन है, क्यू और आर के बीच में वाई है। अब क्यू और आर जो है ये क्या कहा, देखो यहाँ पर वाई है, अगर वाई यहाँ पर है, ठीक है, तो क्यू कहाँ पर होगा, एक तो यहाँ पर होगा, ठीक है, या फिर ये इधर आ जाएगा। हम अभी इसको अच्छे से लिखते हैं, एक्स एक दो एस दो एक वाई, ठीक है, और यहाँ पर अगर क्यू लिखता हूँ मैं तो आर इधर आएगा, ठीक है, या फिर क्यू इधर लिखेंगे तो आर यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये दो कंडीशन में से हो सकता है। अब उसके बाद में और क्या बोला है हमको उसने, देखते हैं कंडीशन में कि क्यू के बगल में जेड है। देखो क्यू के बगल में जेड है बोला है, तो सीधी सी बात है अगर मैं क्यू को इधर लिखता हूँ या फिर इधर लिखता हूँ क्यू को, तो क्या हो जाएगा, इसके बगल में वापस से एक्स आएगा, आठ हो गया ना ये, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर तो क्यू नहीं आ सकता, यहाँ पर क्या होगा, क्यू यहीं पे होगा। तो ये तो चलो हमको यहाँ से पता चल गया, क्यू यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, और क्यू के बगल में कौन है, जेड है, तो ये एक जगह खाली है ना क्यू के बगल के, यहाँ पर आ गया जेड। चलो ये तो बन गया अभी इतनी कंडीशन। अब उसके बाद में ये दो लोग बचे हैं और एक बचा है, आर के बगल में कोई ना कोई आएगा, देखेंगे कौन आता है। उसके बाद में क्या बोला है कि एक्स के एक्स जो है सॉरी एक्स नहीं पी सॉरी यहाँ पर पी चाहिए था, पी जो है एक्स और जेड के बीच में नहीं है, एक्स और जेड के बगल में नहीं है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर अभी जेड यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी मैं पी को नहीं लिख सकता, तो यहाँ पर मैं पी को कहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, तो ये दोनों से दूर हो गया थोड़ा सा, है ना, बराबर। अब उसके बाद में ये एक जगह बची है, उसके बाद में और कंडीशन कौन सी दिख रही है, ये हमने लिख लिया है जेड हमने लिख लिया है। उसके बाद में ये कंडीशन भी हमारी बैठ गई है, ये कंडीशन भी बैठ गई है, कितने लोग हो गए हैं, तीन छः सात आठ, आठ लोग हो गए, एक बचा है, तो एक कौन सा रहेगा, ये रहेगा डब्लू, हो गया। उसके बाद में इन सबको जो है अब सवालों में देखते हैं कि बनता है क्या। एस के बाएं कौन है, एस के बाएं यानी कि लेफ्ट साइड, तो एस का लेफ्ट साइड कौन सा है, ये है,
तो कौन दिख रहा है? झेड। तो इसका आंसर क्या रहेगा? झेड रहेगा। ठीक है, पहले का आंसर क्या रहेगा? झेड। उसके बाद में 31 नंबर का, यदि उनके चेहरे वृत्त के बाहर की ओर है तो W किसके बाएं होगा? तो सीधी सी बात है, अब अगर सेंटर की तरफ देखेंगे तो नीचे रहेगा, ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा। अगर ऊपर की तरफ देखेंगे बाहर की तरफ तो ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा। तो लेफ्ट साइड कौन सा पूछा है? बाएं। ठीक है, बाएं यानी कि लेफ्ट। तो W के लेफ्ट में कौन है? यहाँ पर उसने क्या बोला है कि वृत्त के बाहर की तरफ है, तो W के बाएं कौन होगा? किसके W किसके बाएं होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, W किसके बाएं होगा? तो ये जो है P के बाएं होगा ना। ठीक है, P के लेफ्ट साइड होगा, तो यानी कि इसका आंसर जो है P रहेगा। उसके बाद में तीसरा सवाल, X जो है किसके बीच में बैठा है? तो X आपको किसके बीच में दिख रहा है? W और R के बीच में, है ना। तो यहाँ पर आंसर रहेगा तीसरा, W और R के बीच में। देखो उसके बाद में 40 नंबर का सवाल भी पहले सवाल के जैसे ही था। उसने बोला है एस और टी एक साथ काम मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 50 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। ये पूरा काम 50 दिन का है। उसके बाद में इन्होंने मिलकर कितने दिन काम किए हैं? 50 में से 20 दिन काम किए, तो 50 में से 30 दिन अभी काम बचा हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। उसने पूछा क्या है कि बताइए काम बाकी कितना रह गया? तो बाकी काम कितना है ये है, और ये उनका जो है किया हुआ काम है। ठीक है, 20। तो सीधी सी बात है, इन्होंने 50 दिन का काम में से 30 दिन का काम पूरा कर लिया। 0-0 कैंसिल हो गया, 3/5 काम जो है भाग जो है बचा है, हम ये बोलेंगे। उसके बाद में 42 नंबर का सवाल था, उसमें आपको एक शब्द बनाना था। तो इसमें जो है पहला ये दिया है, उसके बाद में दूसरा तो जो है LUBE, और उसके बाद में तीसरा जो है GROANE, और चौथा जो है ये है KNIP। तो जब इसको हम अगर सही क्रम में लिखते तो ये क्या बनता है? रेड। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ब्लू, है ना। ये कलर के नाम दिख रहे हैं। उसके बाद में ये भी दिख रहा है कोई कलर का नाम, ये तो पिंक दिख रहा है सीधा सीधा। ठीक है, बहुत आसान है ये, इसको उल्टा कर दिया था। उसके बाद में इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऑरेंज, है ना, ये भी ऑरेंज बन गया। ये भी कलर का ही नाम है लेकिन ये एक फ्रूट का भी नाम है। तो उसने आप पूछा तो जो था वो तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे हिसाब से जो है यहाँ पर अगर अलग देखा जाए तो अलग कौन दिख रहा है? ऑरेंज। तो इसमें आंसर उसने ऑरेंज ही दिया। वैसे भी एक सार्थक वाक्य बन जाए, वाक्य तो सभी बन रहे, लेकिन ये क्या है? एक फ्रूट का भी नाम है। तो हो सकता है इसने सवाल पूछने का ढंग जो है इसमें कुछ डिफरेंट होगा और इसमें पूछा कुछ डिफरेंट होगा, हो सकता है। ठीक है, प्रिंट मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन इसमें हम अगर देखा जाए तो तीनों में अलग जो है ऑरेंज ही है, जो कि मतलब कि एक फ्रूट का भी नाम है और एक कलर का भी नाम है। अब उसके बाद में ये जो सवाल है इसमें तो चलो ठीक है, वैल्यू पता है, इसमें हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉइंट लेके ठीक है कैंसिल करने के लिए ऊपर में पॉइंट लेना है। पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये कितने हो गए? 10। 10 को 5 से भाग दे दिया, हो गया 2, और ये 0.5। सीधी सी बात है, 2 तो बहुत बड़े है। उसने क्या पूछा है? सबसे कम, तो ये तो नहीं है। उसके बाद में ये क्या हो जाएंगे? 2 पॉइंट, ठीक है, यानी कि 0.25, और ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 10, और एक पॉइंट लगा दिया तो 1, तो ये हो गया 1। इसको 0 को हटा देते हैं, तो ये तो पॉजिटिव में आ गया, ये भी पॉजिटिव में है, और इसको जो है हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं। तो सीधी सी बात है ना, 50 तो बड़े हैं 25 में से, है ना। तो इसमें जो है सबसे कम कौन सा है? ये है। उसके बाद में 45 नंबर का जो सवाल था उसमें क्या दिया था? ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2ab दिया था। तो सीधी सी बात है ना, यहाँ पर हमको करना क्या है? सिंप्लीफाई करना है। इसका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये बाहर में पहले से 2ab था, ये माइनस है ये प्लस है, ये हो गया कैंसल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ऑप्शन में ये है तो यानी कि यही सही है। ठीक, अब देखो हमको रेशो पूछा था।
ठीक है, रेशो पूछा था, तो इसके लिए हमको पहले देखना है कि वेनिला कौन सा है। वेनिला कौन सा है, ये जो दिख रहा है ठीक है आयत, ये हमारा वेनिला है, ये चौकोन या आयत बोलेंगे इसको ठीक है। उसके बाद में ये जो सर्कल है ये हमारा चॉकलेट है। तो चॉकलेट के अंदर में मैंने पहले ही रेट से लिख के रखा है कि इतने है, तो इसका टोटल कर लेते हैं, 30, 7, 33, 40 और ये 55। तो चॉकलेट कितने हो गए, 55, क्योंकि ये सर्कल के अंदर में 55 है ठीक है ये नंबर। उसके बाद में ये चौरस में कितने आ रहे हैं, 5, 7, 12, 15, इसको टोटल कर दो, ये हो गए 12, 12, 24 और ये 39। अब देखो 39/55 है, बस यही रेशो हो गया। रेशो का मतलब होता है ठीक है ये ठीक है, अब इसमें भाग जाता तो ये भाग जाता तो हम उसमें काट के जो आता वो उसको रेशो में बना लेते, लेकिन ये इसमें भाग नहीं जाता तो ये हमारा आंसर रहेगा। ये जो है 52 नंबर का सवाल था ठीक है। अब उसके बाद में सवाल नंबर है कौन से नंबर का, 59। तो जब भी आपको ये सवाल करना रहेगा इसमें आपको ये चार्ट पता होना चाहिए ठीक है। उसने पूछा अभी है कि थीटा तो दिया है ठीक है, 30 tan² θ + cot² θ। एक तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तब भी हमारा आंसर निकल जाता, लेकिन अभी हम इसको जो है नहीं यहाँ पर कुटअप ही करना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू 30 दिया है तो टेन 30 जो है हमको पता है ठीक है कितना है, 1/√3 ठीक है इसका स्क्वायर, क्योंकि ये 30 है तो टेन 30 जो है हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में कॉट जो है ठीक है उसका क्या होता है, इसका उल्टा होता है ठीक है कॉट, तो इसमें आ जाएगा √3 का वर्ग। अब ये हो जाएंगे कैंसल, 1/3 प्लस ये हो गए 3, इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10/3 इसका आंसर रहेगा। तो ये जो है मैं अलग से वीडियो में इसको समझा दूंगा। उसके बाद में सवाल नंबर जो है 72, दो तरीके से पूछे जाते हैं सवाल। हमको दिया है 3a = 2b = c और ए बी सी का रेशो पूछा है। ए बी सी एक तो इसका रेशो कैसा रहता है, जो इसके नीचे में रहेगा। अब नीचे में तो कुछ नहीं दिख रहा है ठीक है, तो नीचे में हमको क्या लिखना पड़ता है, एलसीएम लिखना पड़ता है। एलसीएम कौन सा बन सकता है, 2, 3 और यहाँ पर 1 है, तो 6 इनका एलसीएम हो जाएगा, 2 + 3 = 6 है ना। तो 6 से सबको डिवाइड कर दो ठीक है, एक ये तरीका है, ये भी मैं बता देता हूँ और उसके बाद में दूसरा भी बता देता हूँ। तो सबसे पहला तरीका ये करके देखते हैं, 3 से भाग दे दिया तो कितना आ गया, 1/3, यहाँ पर एक इसकी वैल्यू आ गई 1/2 ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर भाग दे दिया तो यहाँ पर आ गया 1/3 और यहाँ पर भाग दे दिया तो कुछ भी नहीं ठीक है भाग देने के लिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/2a = 1/3। मतलब कि अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना कि a के नीचे 2, b के नीचे 3 और c के नीचे जो है 6 है, तो इनका रेशो हो जाएगा जो इसके नीचे में रहता है। तो इसके नीचे में क्या है, 1 है 2 है, बी के नीचे में क्या है, 3 है और सी के नीचे में क्या है, 6 है। अब मैं जब ऑप्शन में देखता हूँ तो ये मेरे को ऑप्शन में उल्टा दिख रहा है, पहले 6 दिख रहा है फिर 2 दिख रहा है फिर 3 दिख रहा है, तो ये जो है ऑप्शन में है नहीं एक्चुअल में, तो ये आंसर है नहीं। तो आंसर किस में दिया है, फ्रैक्शन में, तो अगर फ्रैक्शन में आंसर है ना तो हमारा आंसर वहीं पर था, सिर्फ जो है ये कभी कभी आता ऐसा, तो ये भी याद रखो। तो अब देखो हमारा आंसर क्या रहेगा, तो 3a ठीक है और उसके बाद में इक्वल टू क्या है, 2b = c दिया है। तो जब भी आपको ऐसा दिया रहेगा ना तो इसके साथ में क्या है, 3/1, 2/1 और 1/1, तो जो a की वैल्यू रहेंगी वो रहेंगी कितनी, अभी देखो वो जो नीचे वाली वैल्यू थी वो इसकी वैल्यू थी, तो इसके नीचे में क्या है, 1 है, तो हम इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/3 रेसिप्रोकल होके क्या होगा, 3 ऊपर जाएगा है ना। अभी इसके पहले देखे थे इसके नीचे जो रहती है वो इसकी वैल्यू रहती है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। बी को जो है मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जब रेसिप्रोकल होगा तो ये 2 ऊपर चले जाएंगे ऑटोमेटिकली और 1 तो दिखेगा नहीं, तो इस तरीके से कन्फ्यूज़ किया इसने। और सी के नीचे में क्या रहेगा, 1 रहेगा, कुछ नहीं है, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा,
रेशो बी रेशो सी हो जाएगा 1/3 रेशो 1/2 रेशो 1, हो गया, सिंपल आंसर है। उसके बाद में 79 नंबर का सवाल, हमने इसके पहले कौन सा 72 का देखे थे। इसमें जो है हमको जो 5 दिया है ना वो एक्चुअल में S है, ठीक है, और उसके बाद में उसने जो है हमको यहाँ पर 32 दिया है, उसके बाद में इसको जो है इस लाइन को 7 दिया है, इस लाइन को 28 दिया है, और बोला है कि ये क्या है समरूप है। समरूप का मतलब ये हो जाएगा कि जो इसकी भुजा रहेंगी ये वाली, ये इसके समान रहेंगी, ठीक है, ये इसकी भुजा इसके समरूप रहेंगी, इसकी भुजा इसके समरूप रहेंगी। मतलब ये क्या अभी समझेगा, जैसे कि ये अगर 7 है तो 7 का कितना गुना 28 बनेगा, 4 गुना, तो यानी कि ये हो गया है समरूप। देखो S जो है, जो भी ये साइड है भुजा है, ठीक है, ये जितने गुना है इस भुजा के उतने ही गुना ये वाली भुजा रहेंगे, उतने ही गुना इसकी ये भुजा रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ अब ये देखना है कि जैसे कि यहाँ पर कितना आया था, 7 को 4 से गुना किए तो 32 हो गया था ये भुजा, है ना, 28 हो गया। तो ऐसे ही अब S को 4 से गुना करेंगे तो 32 बनना चाहिए, है ना, क्योंकि ये भुजा समरूप है। तो अगर इसको 4 से गुना करेंगे तो ये क्या बनेगा, 32 बनेगा। तो S के जगह पे क्या आएगा कि ये 32 बनेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 8 बन जाएगा, है ना, S को 8 बना दिए, 8 × 4 = 32, यानी कि ये जो भुजा है ये कितने की है, 8 की है, ठीक है। चलो हमको बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नंबर से लिखते हैं बराबर सिस्टमेटिकली। 6 एक बार है इधर, ये 3 × 6 है, ठीक है, उसके बाद में 7 कितनी बार है, 1, 2, ठीक है, उसके बाद में 8 कितने हैं, 1, 2, 3, 4, है ना, 4 है, 4 बार लिखेंगे, 1, 2, 3, 4। और उसके बाद में बहुलक का मतलब होता है बारंबारता, यानी कि जितनी बार ज़्यादा कोई संख्या है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन है, 8 है, इसीलिए इसका बहुलक जो है क्या रहेगा, 8 रहेगा। उसके बाद में माध्यिका मीडियन, तो माध्यिका का मतलब रहेगा जो बीच में है। तो देखो अब ये संख्याएं कितनी हैं, 9 संख्याएं हैं, तो इसमें बहुत आसान हो जाता है ना, 9 संख्या है टोटल, तो जब भी 9 संख्या रहेंगी तो बीच वाली संख्या जो है ये क्या रहेंगी, माध्यिका रहेंगी। तो ये 4, ये 4 हटा दिए तो बीच में कौन आ रहा है, ये 7, तो यानी कि इसकी माध्यिका 7 हो गई, हो गया। उसके बाद में 86 नंबर का सवाल क्या बोला है कि 500 रुपये वस्तु प्रति वस्तु की दर से खरीदने के लिए गए, हालांकि एक आदमी गया है, ठीक है, उसके बाद में हालांकि दुकान पर दी गई छूट के अनुसार आपको 2 वस्तुएं खरीदने पर 1 मुफ्त मिली, ठीक है, तो इस सौदे में कुल छूट की दर कितनी है, मतलब ये डिस्काउंट कितने का मिला ये पूछा है। तो देखो इस कंडीशन में हम ये समझेंगे कि जो खरीदी माल है उसका वो कितना है, वो है 3 माल, ठीक है, 3 वस्तु। अब ये वस्तु की कीमत अगर हम देखेंगे तो ये होगी 1500 रुपये इसकी कीमत, ठीक है, उस वस्तु की कीमत 1500 थी जो उसने ख़रीदा है, सीधी सी बात है ना, ये उसकी खरीदी होगी उस इंसान के अनुसार देखेंगे। अब दुकानदार के नज़रिए से मत देखिए, आपको आपके नज़रिए से देखना है कि आप खुद अगर उस माल को ख़रीदने के लिए गए हैं तो आपने तो मतलब कि वो खरीदी माल कितना किया है, वो 1500 का माल खरीदी किया है ना, ठीक है, टोटल, क्योंकि 3 वस्तु मिली आपको और उस पर आपको डिस्काउंट मिला है, आपने उस पे कितना किया है, 1000 रुपये उसको दिए हैं, तब जाके जो है आपको 500 रुपये मतलब ये क्या मिले, डिस्काउंट मिले। तो ये आपका 500 रुपये क्या हो गया, छूट हो गया है, डिस्काउंट हो गया है, ठीक है, और उसके बाद में ये बोल सकते कि 3 वस्तु जो उसने खरीदी की है वो है 1500। अरे सीधी सी बात है, उसने खरीदी कितने किया, 1500 रुपये का माल, उसको डिस्काउंट कितने का मिला, 500 रुपये, तो सीधी सी बात है ना, डिस्काउंट उसको इस पर मिला है 1500 रुपये, हम ये बोलेंगे 500 रुपये कम हो गए इसके, है ना। उसके बाद में ये कितने के बराबर है ये निकालना है, परसेंटेज 100 से डिवाइड कर दो, 5 का भाग जाता है, 5 दिया 15,
और 5 एकम 5, 100 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 33.3% हो गया। देखो 92 नंबर का सवाल क्या बोला था कि cos थीटा इक्वल टू 4/5, ठीक है, उसके बाद में हमको निकालना क्या है, sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये 4/5 जो है ये एक्चुअल में है क्या। तो ये हम ये बोल सकते हैं cos थीटा जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बेसिक से समझना पड़ेगा। मैं आपको जो है शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो जो थीटा के अपोजिट होती है ये अपोजिट भुजा होती है, ये होगी एडजेसेंट और ये होगी हाइपोटेनियस, यानी कि ये हो गया कर्ण, ठीक है। जो उसका एडजेसेंट साइड होती है वो, ठीक है, एडजेसेंट साइड बटा कर्ण या फिर हाइपोटेनियस, ये मतलब होता है कॉस का। तो यानी कि कर्ण का मतलब जो है ये हो गया 5, ठीक है, और एडजेसेंट भुजा यानी कि ये होगी 4। यहाँ से हम जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको पता कर सकते हैं पाइथागोरस फॉर्मूले से। तो कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, इसका वर्ग कर लो, इसका वर्ग कर लो, माइनस कर लो और उसका वर्गमूल निकालो फिर से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमको ये जो है मैं अभी आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है बाद में जब अलग से इस पर लेक्चर लूँगा या पढ़ाऊँगा तब ये आपको आसान लगेगा, अभी मैं थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट ही करता हूँ। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमको कर्ण पता है 5 है, एडजेसेंट जो साइड है इसकी ये है 4 की, अपोजिट साइड पता करना है, ठीक है, अपोजिट कितने के बराबर रहेगा, क्योंकि कोसेक के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी, सेक के लिए इसका उल्टा कर दो, ठीक है, 5 ऊपर जाएंगे 4 नीचे आ जाएंगे, सिर्फ कोसेक के लिए हमको निकालना पड़ेगा। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या बनेगा, कोसेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण बटा अपोजिट, इसमें अपोजिट भुजा पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, इसका वर्ग माइनस करेंगे, ठीक है, उसका वर्गमूल निकालेंगे, 25 में से 16 गए 9, 9 का वर्गमूल 3, तो सीधी सी बात है ये 3, अगर ये 5 और ये 4 है ना तो समझ लेना ये 3 ही रहेगा, हमेशा ऐसा ही सेम ही सवाल आता है, ठीक है, याद ही हो गया मुझे तो ये सवाल। तो यहाँ पर जो है क्या हो गया है कि 3 आ गया है अपोजिट, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे, हाइपोटेनियस 5 है ये 3 है, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, तो कितने हो जाएगा 15 और ये हो जाएंगे 20, ठीक है, ये हो गए 15 प्लस ये हो गए 20 और ये हो गए 12, इसको प्लस कर देंगे 35/12 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो देखो अब जो है ये पेपर यहाँ पे मैंने समझा दिया है, और ये मेरे को पता है आपको नहीं समझाऊंगा, इस पर जो है एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आराम से समझाऊंगा, इसमें आराम से समझाऊंगा तो उस वीडियो में क्या समझाऊंगा, है ना, तो इसीलिए इसको बचा के रखता हूँ मैं उस वीडियो के लिए। और मेरे ख्याल से अगर आपको ये समझा है तो ये आपको अभी जो एग्ज़ाम आने वाले उसमें काम में आ सकता है। चलो थोड़ी मेहनत किया है तो अच्छे से देख के जो है इसको अच्छे से जो है नोट्स बनाते जाओ, आपके काम की चीज़ है।